भैया आप क्या पढ़ रहे हो? बहन मैं आर्य समाज के बारे में पढ़ रहा हूँ। भैया आर्य समाज क्या होता है? सुनो बहन, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, गतिशील, कर्तव्यपरायण, धर्मात्मा, और समाज का अर्थ है मनुष्यों का समूह, और इस प्रकार आर्य समाज का अर्थ है शेष मनुष्यों का समूह। भैया आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहन आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में हुई। भैया आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहन आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की, जब धर्म के नाम पर अत्याचार, पाखंड, व्याभिचार फैला हुआ था। स्त्रियों की दयनीय दिशा थी, उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। भोली भाली जनता को बहका कर धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चल रहा था। तब एक महामानव स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, जिन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर और सारे सुखों को त्याग कर संन्यास ले लिया, जिन्होंने नारी शिक्षा का प्रचार किया, नारी को मातृशक्ति के रूप में बताते हुए उन्हें समाज में उचित स्थान दिलवाया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा पर रोक लगाई, अछूतों को गले लगाया और बहुत से अच्छे कार्य किए। भैया आपके विचारों को सुनकर मेरे मन में भी कुछ विचार पैदा हुए हैं, उन्हें मैं एक कविता के रूप में कहना चाहती हूँ। एक नवयुग का निर्माण हुआ जब ऋषि धरती पर आए थे, समाज में नव चेतना लाने को स्वयं हजारों दुख उठाए थे। महर्षि दयानंद ने इस समाज में नारी शिक्षा का प्रचार किया, सती प्रथा पर रोक लगाकर विधवा का उद्धार किया, अपनी विद्या और बल बुद्धि से अंधविश्वास को दूर किया, घिरा समाज घनघोर अंधेरे से एक सूरज बनकर छाए थे, अपने विचारों की लौ से दीपक की तरह जगमगाए थे। मैं भी उन्हीं ऋषि की बेटी हूँ, भारत में धूम मचाऊंगी, शिक्षा और नए विचारों से एक नई क्रांति ला, सब देखेंगे मेरे भारत को, क्योंकि आज के भारत की कुछ और ही दशा होती अगर ऋषि जोधपुर ना जाते। आज इस पावन अवसर पर हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि महर्षि दयानंद की इस विरासत के प्रांगण में सांस्कृतिक हो गए हैं, और साथ ही सच और झूठ का भेद पाते हैं। और साथ ही आइए आज हम संकल्प करते हैं कि महर्षि जी के सपनों को जीवन में पूरा करेंगे।